लास्ट एपिसोड में देखा है उनको जो सपोर्टर बन के आया था पारस ने, गलती क्या है, देवलीना को साथ नहीं दिया है, सपोर्ट नहीं किया है, नाम से सपोर्टर है लेकिन सपोर्ट कुछ भी नहीं किया है, जिसके कारण देवलीना पीछे पड़ रही है। अकेली तो कोई कुछ काम नहीं हो सकता है ना, इसलिए थोड़ा मन अच्छा दुख लगा है, मन में दुख हुआ। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं पारल घर के बाहर से प्लानिंग करके आए थे देवोलीना का, मतलब देवोलीना के खिलाफ रहने का? हाँ ये सही है, ये क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ अभी, क्योंकि जब पारस आया था हाउस में, जब एंट्री किया था, देवोलीना इतना खुशी थे, वो इतना खुशी थी ना जैसे कोई अपन जन आ गई है देवोलीना का सामने। देवोलीना ने एक्सेप्ट किया था पारस को बहुत प्यार से, लेकिन पारस ने मतलब वो सपोर्ट नहीं किया था देवलीना को, क्योंकि पारस ने शायद पारस ने घर का बाहर से प्लान करके आए थे जैसे तैसे देवलीना को हराएगा, और इसे मुंह से बोल दिया सपोर्टर बोल के, बिग बॉस को भी बोला सपोर्ट होके आ रहा है, लेकिन वो उल्टा किया है, यहाँ आके रुबीना को हेल्प किया, बस इतना नहीं हेल्प किया है देवलीना को, थोड़ा सा भी हेल्प नहीं किया। तो क्या कहना चाहेंगे, ये कहीं ना कहीं ये मतलब बिग बॉस की प्लानिंग थी ये देवोलीना को मतलब नीचा दिखाने के लिए, साइड करने के लिए, ऐसा कुछ है, रूबीना को सपोर्ट करने के लिए पारस को भेजा गया? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिग बॉस तो सब देख रहा है खेल में कितना अन्याय हुआ था, वो जो लास्ट दो एपिसोड में देखा था खेल में, देवलीना अकेली पड़ गई है, अपना सामान को अपना बैग्स को स्टाम्प लगा के रह गई, अंदर रह गई, लेकिन वो बैग्स कैरी करने के लिए देवलीना का पास कोई नहीं था, किसी ने हेल्प नहीं किया था देवलीना को। ऑन द अदर साइड रुबीना जो अपना बैग्स को स्टाम्प लगाया था, वो बैग्स उनका बहन जुटिका ने कैरी करके उनका रुबीना का और एक जो सपोर्टर आया था वो ड्रम में रखा था, ड्रम को सेव करके रखा है, लेकिन देवलीना के लिए कुछ नहीं था, पारस ने थोड़ा सा भी हेल्प नहीं किया है, ऐसे कैसा गेम है ये मालूम नहीं, और ऐसे जानबूझ के देवलीना को हराए ये करने का बिग बॉस का मान है, तो बिग बॉस देवलीना को लेना ही नहीं चाहिए था, देवलीना को बिग बॉस खेलने के लिए नहीं देना चाहिए था, क्यों हराएगा ऐसे कंपेरिजन लेके खिलाएंगे बाद में रुलाएंगे, ये बात नहीं है, रोना तो आएगा ना, तोड़फोड़ तो होएगा ऐसे होने से, आपको किसी ने ट्रस्ट कर, किसी को आपने ट्रस्ट किया है, लेकिन आपको ये करे विश्वास खतर का करे, विश्वास तोड़ दिए तब आपको भी गुस्सा हो जाएगा, लेकिन देवलीना को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, नेशनल टीवी पे उसका इतना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये दूसरे लोगों को देखा है जी देवलीना बहुत गुस्से वाली है, वो दूसरा सीरियल में नहीं भी आ सकते हैं दूसरा ये में, लेकिन बिग बॉस ने ये बहुत अन्याय किया है, बिग बॉस ने ये नहीं दिखाना चाहिए था देवलीना ऐसे हो गया, ऐसा ऐसा करवा दे, गुस्सा करवा दे, ऐसा नहीं करना चाहिए कहीं ना, लेकिन फिर भी देखा जाए देवलीना फिर भी घर में लड़ रही है, सबसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है कि लोग उन्हें पसंद करें, क्या इस बारे में क्या लगता है आपको, कैसा लग रहा है उनका गेम? मुझे देवलीना का गेम बहुत अच्छा लग रहा है, देवलीना का सभी गेम मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा से खेला है, वो मन से खेला है, और सपोर्टर्स जो ऑडियंस लोगों ने भी बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसे आगे बढ़े जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, भूख लगता है, वो लड़की अभी हार जाए तो फिनल तक नहीं पहुंची तो बहुत रोएगी, कौन रहेगा उसके पास, आंटी रोइए मत, नहीं, देवलीना के फैंस बहुत है आंटी, टेंशन मत लीजिए, देवलीना के फैंस उनसे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आगे तक लेके ही जाएंगे देवलीना के फैंस, आगे तक लेके जाएंगे जरूर, किंतु फिनाले तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो नहीं, ऐसा
देवीलीना बहुत आगे तक जाएगी, देवीलीना बहुत टैलेंटेड है, मतलब देखा जाए अभी वहां पे सबसे टैलेंटेड देवोलीना ही है अभी इस वक्त, सब देख सकते हैं, तो आप रोइए मत। ये तो है, देवलीना जितना है वहाँ कंस्टेंटिन, मैंने देखा था देवलीना का समान नहीं हो सकता है सभी से, सुंदरता से लेकर के जितना बुद्धि है, जितना ये है, दिमाग है, बहुत अच्छा खेलते हैं दिमाग लेकर के, लेकिन लेकिन उन्होंने ऐसा अन्याय कर दिया, दुख तो लगेगा ना, लेकिन देवलीना जो घर में आएगी कौन सा मरी मेरे उसको सम्मान के लिए, हाँ तो कोई नहीं होगी। मैं बिग बॉस को ये बात करती हूँ, आप लोग का आप लोग ने इतना दुख नहीं देना चाहिए था, देवों को इतना दुख नहीं देना चाहिए था। कोई नहीं आंटी, वो जीत के ही आएगी, आप टेंशन मत लीजिए। और जानना चाहेंगे कि रूबीना जो जैसे खेल रही है, जैसे मतलब टारगेट कर रहे हैं निकी रूबीना मिलके, मतलब देवोलीना को, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले से देवोलीना अकेली अकेली है, अकेली रहती है, बाद में राखी का साथ फ्रेंडशिप हो गया था, लेकिन रूबीना निकी अर्शनी सभी लोगों ने देवोलीना का अगेंस्ट कर रही थी, के कारण देवलीना ने रूबीना को साथ नहीं दे पा रही थी और अकेली पड़ गई थी, और जैसे रूबीना फिर तक आ गई तब फर्स्ट हो गई गेम में, तब वो स्विच कर लिया, निकी को स्विच कर लिया बिग बॉस हब में फाइनल तक जाने के लिए। ये yes. एंड राखी का गेम कैसा लग रहा है? काफी अच्छा खेल रही है, लोगों को एंटरटेन भी कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप राखी के गेम के बारे में? हाँ, राखी का गेम अच्छा लग रहा है, बुला नहीं है, अच्छा लग रहा है, ठीक ही खेल रहा है, ठीक ही खेल रहा है। ओके, एंड राहुल का गेम कैसा लग रहा है? कहीं ना कहीं राहुल को जीतना चाहिए था, लेकिन लोग कह रहे हैं रूबीना जीत सकती है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? लेकिन राहुल जीतना चाहिए, जितना जितना मैं देख रही हूँ राहुल बहुत अच्छा खेल रहा है, और उसको जो स्किल बताते थे फ्रेंड्स लोगों को, मतलब कलीग लोगों को, फ्रेंड्स लोगों को ये ऐसा खेलना होगा, ऐसे ऐसे करना होगा, ऐसे राहुल को मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ, और राहुल आगे बढ़े, नंबर वन में आए, बिग बॉस हाउस का विनर होने में राहुल को चाहती हूँ, भगवान करे राहुल को जिताए। एंड ये एली और जास्मिन का गेम कैसा लग रहा है? जास्मिन वापिस घर में आई है, कनेक्शन बन गए, तो कैसा लग रहा है दोनों साथ में वापिस? हाँ, अली को अच्छा लगता है, बुरा नहीं है, मुझे अच्छा लगता है बात में। ये जस्मिन को थोड़ा बहुत कैसे है मालूम नहीं था पहले, इसीलिए जस्मिन के बारे में अच्छा नहीं है, लेकिन जस्मिन ने भी राइट से लड़ती है, राइट में लड़ती है, राइट राइट के लिए जो राइट है इसके लिए जस्मिन फाइट करती है, अच्छी है जस्मिन। एंड जानना चाहेंगे आपको घर में जाने का मौका मिले तो आप देवोलीना को क्या टिप देना चाहेंगे? क्या टिप दूं मैं देवोलीना को? ये बहुत आशीर्वाद दूंगी, भगवान करे इतना आशीर्वाद दूंगी ना, और मैं यही बता सकती हूँ, और कहूंगी बेटी तुम आज एक खेल में खेल रहे हो, कल दूसरा के घर में बहू बन के जाओगे, तुम ये गुस्सा करो, घर का सभी कामों में आगे जाने के लिए, एक परिवार को हम आगे ले जाने के लिए कोशिश करो, सभी को जितना जो हेल्प चाहे हेल्प करो, सभी के साथ प्यार से रहो, बस ये दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए हम नहीं आए, लेकिन हम लोग का नाम रख के जा सकते हैं इस पृथ्वी पर, ऐसे करो बेटे तुम आगे बढ़ो, ये कहूंगी, पर क्या करूंगी, थोड़ा प्यार करूंगी, रोने के लिए मन ना करे मत रो। यस 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 ओके okay. तो आपसे जानना चाहेंगे, अभी राखी सावंत ने, अभी टिकट टू फिनाले में राखी सावंत ने जो प्राइज मिलता है विनर को, उसमें से 15 लाख कम करवा के वो फिनाले में पहुंच चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
हाँ, पैसा देख के फिनाले तक गए मुझे अच्छा नहीं लगते हैं, क्योंकि फिनाले में जीतने से तो फिर से पैसा मिलेगा, फिर फिनाले जाने के लिए पैसा खर्चा करेंगे। फिनाले में क्या है मुझे इस बार देखना पड़ेगा। मैं अगले पहले नहीं देखा फिनाले बिग बॉस का, और इस बार देखना पड़ेगा कि फिनाले में क्या अलग सा होता है जिसके लिए इतना पैसा खर्चा नहीं देंगे। बाकी को जो मिलता है 14 लाख मिलेगा, वो मिले पैसा दे दिया बिग बॉस को, जाए वो फिनाले जाएगी। फिनाले में क्या ऐसे बहुत बड़ा कुछ है जिसके लिए इतना पैसा दे दिया, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बाकी लोग, दूसरे लोग को बिग बॉस को अच्छा लगेगा, दूसरा ऑडियंस को अच्छा लगता है, मुझे हो सकता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है टॉप 5 में कौन जाएगा, मतलब कौन इविक्ट हो जाएगा इस बार? एविक्ट अभी तो 6 लोग बचा है ना, यस 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 1 लोग बचा है ना, अभी तो 5वां लोग तो जा चुका है, सिर्फ देवलीना रह गई है। अभी तक यस देवलीना का यस न्यूज, कोई न्यूज नहीं मिल रहा है, और देवलीना ऐसे भी प्रॉक्सी बन के गई थी, यस रिजल्ट भी यस नहीं आया अब तक, आज यस आएंगे तो मालूम नहीं, और आएंगे तो शायद देवलीना आएगी शायद, और भी कौन आएगा। और तो सभी लोग फिनाले तक पहुंच गई है, राखी था, राखी ने पैसा देके चली गई। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? मैं चाहती हूँ राहुल जीते, लेकिन सभी लोगों ने ट्राई करेंगे, कोई कोई लोगों ने ट्राई करेंगे ये रवीना को जिताने के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ राहुल जीते। ओके, लास्टली एक मैसेज दे दीजिए देबुलिना के फैन को जो काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाने में, तो क्या कहना चाहेंगे उसे? मैं जो सपोर्टर्स हैं, जो फैंस लोग हैं, सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ, मैं सादर प्रणाम करती हूँ, और आप लोगों को मैं कहती हूँ कि आप लोग हमेशा देवोलीना को सपोर्ट कीजिए, देवोलीना को आगे जाने का रास्ता दिखाइए, देवोलीना राखी भूल ना करे, आप सही रास्ता से जा सके। आज बिग बॉस में है, कल दूसरा सीरियल में भी हो सकता है, सिनेमा में हो सकता है, इसीलिए मैं सबको प्रश्न कहती हूँ, भगवान ने आप लोगों को हमेशा अच्छा रखे, और आप लोगों भी देवलीना को सही बात पे जाने के लिए सहाय करें, असिस्ट करें, मैं ये कहती हूँ, ये चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर योर टाइम मैम। मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू। थैंक यू।